सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। हाय, मैं हूँ स्वाति चंद्रन और आप देख रहे हैं डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचपन से लेकर अब तक की कुछ रोचक बातें और कैसे वह एक चाय वाले से भारत के प्रधानमंत्री बने। तो चलिए जानते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीरा बेन के यहाँ हुआ। वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे। नरेंद्र मोदी स्कूल में औसत छात्र थे। वे एक बार शर्मिष्ठा तालाब से एक घड़ियाल का बच्चा पकड़कर घर लेकर आ गए। माँ के समझाने पर वे वापस उसे तालाब छोड़कर आए। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलवाई थी। नरेंद्र मोदी ने राजनीति शास्त्र में एमए किया। वे 1967 में 17 साल की उम्र में अहमदाबाद पहुंचे। इसके बाद 1974 में वे नव निर्माण आंदोलन में शामिल हुए। इस तरह सक्रिय राजनीति में आने से पहले मोदी कई वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। नरेंद्र मोदी 1980 के दशक में गुजरात की भाजपा इकाई में शामिल हुए। वे वर्ष 1988 से 1989 में भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए। नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की 1990 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में अहम भूमिका अदा की। मुरली मनोहर जोशी की कश्मीर के लाल चौक तिरंगा फहराने की यात्रा में भी मोदी हर वक्त साथ रहे। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई राज्यों के प्रभारी बनाए गए। मोदी को 1995 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। इसके बाद 1998 में उन्हें महासचिव बनाया गया। इस पद पर वो अक्टूबर 2001 तक रहे, लेकिन 2001 में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद मोदी को गुजरात की कमान सौंपी गई। उस समय गुजरात में भूकंप आया था और भूकंप में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। नरेंद्र मोदी आरएएस के बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे और आरएएस के बड़े शिविरों के आयोजन में वो अपने मैनेजमेंट का कमाल भी दिखाते थे। 2007 के विधानसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के विकास को मुद्दा बनाया और फिर जीत कर लौटे। फिर 2012 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा गुजरात विधानसभा चुनाव में विजय रही, राज्य में तीसरी बार अपनी सत्ता का डंका बजाया। 2012 तक मोदी का बीजेपी में कद इतना बड़ा हो गया कि उन्हें पार्टी के पीएम उम्मीदवार के रूप में देखा जाने लगा था। 2013 में उन्हें बीजेपी प्रचार अभियान का प्रमुख बनाया गया। बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान कर दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार का गठन किया। 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। मोदी देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिसने पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता में वापसी की है। बीजेपी ने न सिर्फ अपने बूते पर फिर लोकसभा में बहुमत हासिल किया बल्कि सहयोगियों के साथ 350 का आंकड़ा भी छू लिया। बीजेपी और सहयोगियों ने एग्जिट पोल को सही साबित करते हुए इस बार 2014 में भी बड़ी जीत हासिल की। दोस्तों, अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।